जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित डागर और हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब अनुभव में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं फेस वीडियो बना रहा हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मुझसे बहुत सारे बंदे ये पूछ रहे थे कि भाई इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाइए कि जो आपकी भर्ती होने वाली है, रिलेशन की है, ओपन की, या स्पोर्ट्समैन वालों की, या म्यूजिशियन वालों की। तो सभी का एक ही क्वेश्चन था और सब ये पूछ रहे थे कि भाई वैकेंसी के ऊपर बताइए कि वैकेंसी किस टाइप से आएंगी। अब तो बात कर ले भाई, उससे पहले तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना इस वीडियो को। एम रखते हैं भाई 50 लाइक का, तो प्लीज़ 50 लाइक दे देना, मुझे उम्मीद है कि आप दे दोगे। तो बात कर ले भाई यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसी, तो भाई वैकेंसी किस तरह से आएंगी और कैसे आएंगी वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के, आपको एंड तक ज़रूर देख लेना है। और मैं आपको बता दूँ, बहुत बंदे ये भी पूछ रहे थे कि भाई एज में छूट हमें मिलेगी या नहीं। बट मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके सामने राजरिफ और एएससी सेंटर का चार्ट आया है तो दोस्तों आपको मैं बता दूं उसमें कोई छूट नहीं मिल रही है एज से रिलेटेड। तो भाई मैं आपको बता दूं तो आगे जाके मुश्किल चांस है भाई रिलेशन वालों के लिए कि एज में आपको कोई छूट मिल सके। तो मेरी जुलाई में ओवर एज होने वाला था, मैं तो शायद मैं परसों हो जाऊँगा शायद मैं ओवर एज, तो भाई मैं अब नहीं देख पाऊँगा इंडियन आर्मी की भर्ती। बट मैं आपको बता दूं कि जो अब देख सकते हैं 2021 में, ठीक है, जो बंदे 2021 तक देख सकते हैं भाई, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी होगी भाई, क्योंकि उनको एक सुनहरा मौका मिलेगा भाई लगने के लिए, ठीक है। क्योंकि 2020 में जितनी भी वैकेंसी हैं भाई, ठीक है, जिस भी सेंटर पे, जैसे कि आप मेरा खुद का ले लीजिए, EME सेंटर है GD की, उसमें आपकी भोपाल में पिछली बार 100 आई थी, तो आपके मतलब 2020 में 100 आई हैं और जो आपकी 2021 की और प्लस हो जाएंगी भाई, ठीक है, दोनों मतलब 250 से 200 के बीच वैकेंसी आएगी GD की, प्लस भी हो सकती है 250 से भाई, ठीक है। और रही भाई टेक्निकल की बार पिछली बार मेरे ख्याल से 54 या 60 की समथिंग में आई थी, तो वो टेक्निकल की भी मेरे ख्याल से 100 या 150 तक जाएगी भाई, 100 प्लस जाएगी, 120 से मेरे ख्याल से नीचे रहेगी भाई, ठीक है। बात कर लें क्लर्क पिछली बार 64 या 67 आई थी, तो भाई आपकी क्लर्क की आ सकती है 80-90 की समथिंग में। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई जिस भी सेंटर में आप भर्ती देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपको करना क्या, आपको अदर सेंटर भी देखना है भाई, ठीक है। हालांकि जो आपका सबसे बेस्ट सेंटर है अदर सेंटर RT हैदराबाद और नासिक है, अगर इसमें सबसे पहले भर्ती आती है और आपके सेंटर पे नहीं आती है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप इस सेंटर को बिल्कुल मत छोड़ना, इसमें 100% जाना, क्योंकि इसमें आपको पता है कि 300-250 तो ऐसे ही आ जाती हैं। बट अगर 2020 में इसमें भर्ती नहीं हुई थी भाई, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बता दूँ 2020 की प्लस और 2021 की दोनों प्लस होके आएंगी, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक है 400 प्लस 500 प्लस या 600 प्लस भी हो सकती हैं भाई, ठीक है। तो आपको बस इस सेंटर में जाना है, आप ये मत करना, मैटर कोई नहीं है कि भाई मेरा ब्रदर रिलेशन है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बस आपको करना क्या, आपका फिजिकल एक्सीलेंट होना चाहिए और आपका फिजिकल और आप अपनी तैयारी करके रखना टेस्ट की बढ़िया तरह, तो आपका 100% नंबर आ जाएगा, ठीक है। बात कर लें कि और यहाँ पे अदर सेंटर क्लर्क देखने देते हैं या नहीं, बट मैं जो आपकी चार्ट निकल के आया था उसमें हैदराबाद में नहीं देखने दे रहे थे इस बार, तो देखते हैं कि अगली बार जो चार्ट आएगा उसमें देखने देते हैं या नहीं, ठीक है। और बात कर लें कि भाई यहाँ पे कोई भी सेंटर है जिसमें कम आती है ना, उस सेंटर में भी ये सोच लेना बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। तो मैं आपको यही बोलूँगा, बिल्कुल भी पढ़ाई मत छोड़िए, तैयारी कीजिए अपनी। कभी भी आपको मैं बता दूँ, धीरे धीरे अब चार्ट निकलने स्टार्ट हो रहे हैं और मेरे ख्याल से जो आपकी ASC और राजदीप की है मेरे ख्याल से पोस्टपोन्ड होंगी, और जब आपको बिल्कुल प्रॉपर कोरोना हट जाएगा तो उसके बाद आपकी भर्ती आनी स्टार्ट हो जाएंगी भाई, ठीक है। और उससे कोई अलग कोई अपडेट आएगा एड्स एज से रिलेटेड तो हम आपको बता देंगे वीडियो में। वैसे यही बोल रहा था कि वैकेंसी ज़्यादा आएंगी, तो बस आप अपनी रनिंग पर प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई पर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत से मुझे ये भी बोलते हैं भाई हमें ये बताइए कि मेरा 5:30, 5:40 टाइम आता तो भाई हम कैसे कम करें। तो भाई मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, मैं कुछ एक दो दिनों से मैं ट्राई करूँगा कि मैं आप कैसे घर में बैठे हाइट बढ़ा सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं, जो भी मैं बताऊँगा, दिक्कत मतलब धीरे धीरे करेंगे हर चीज़ स्टार्ट। अभी लॉकडाउन खुलने वाला है, लगभग सभी में खुल गया, मुंबई और दिल्ली में रह रहा अभी जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है फिलहाल अभी के टाइम पे। तो यही बोल रहा हूँ भाई, घर में ही रहना लगभग, ज़्यादा बाहर ना निकलने, और अगर रनिंग कर रहे हो तो भाई सुबह शाम अपना डेली ठोक के करो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके मुझे
फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना हमारे चैनल को। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। थैंक्स टू वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।